Hello friends, welcome to the interview. Today we have with us Dr. Archana Gumasa, Assistant Professor of Education and Associate NCC Officer of Durga College, Raipur. So ma'am, welcome to the interview. Thank you, sir. Thank you, ma'am. So ma'am, can you tell me about yourself? Dr. Archana Gumasa, Assistant Professor in Education Department from Durga College. And I have been working since 12 and a half year in this college. And you afford to know, very happy to know about me that I am an ex-student of this college. I joined this college in 1987 and I completed in 1992 as a MA. After that, I have completed my PhD degree in political science also from this institution only. And 2010, I got opportunity to join as assistant professor in this institution. So right now I am here working as an assistant professor. Alright ma'am. So ma'am, being the Assistant Professor of Education and Associate NCC Officer, ma'am, what are your roles and responsibilities? Basically, our roles and responsibility is towards our students as a teacher, to make them a good students, to give them good study materials. And देखिए, हम लोग teacher हैं, तो सबसे basic काम है बच्चों को उनकी जो भी doubts हैं उसको करना, कंप्लीट करना या उनसे दूर उनको लेके चलना. तो बेसिक हम वही काम करते हैं और जहाँ तक उनमें लाइफ में जितने भी डिफिकल्टीज आती हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ऑलराइट मैम. सो मैम, हाउ डू यू ट्राई टू बिंग प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स द सब्जेक्ट दैट टू टीच? प्रैक्टिकल अप्रोच, देखिए जो सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ाते हैं उसको हम प्रैक्टिकली अप्रोच करने के लिए ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जो उनके करिकुलम से हटके होता है. उसमें सबसे पहले आता है कोकरिकुलर एक्टिविटीज. उसके अंतर्गत जैसे हम लोग सेमिनार्स अटेंड करा रहे हैं, कुछ एक्सटेम्पोर करा रहे हैं, कुछ डिबेट की कॉम्पिटिशन करा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उनमें वो क्वालिटीज डेवलप होती है जो वो हाइड करते हैं. और एक एजुकेशन के थ्रू और पढ़ाने के थ्रू हम लोग उनमें जो सॉफ्ट स्किल जो आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक तो उसमें है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चों में बहुत कम होते जा रहा है, वो डेवलप करना और उनको अपनी क्वालिटीज, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बताना ताकि वो आगे जाकर कुछ अच्छा कर सकें. तो दीज आर द आर प्रैक्टिकल अप्रोच बिसाइड्स ऑफ योर टीचिंग. Alright, ma'am. Okay. So how does the curriculum of your college ensure that the students are being prepared for the future? Future based, because I am teaching in education department and it is basically related to the making teachers, isn't it? So हम लोग जो काम करते हैं उसमें हमारे पास बच्चे already ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले आते हैं और भी एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम उन्हें एक अच्छा टीचर बनाने में उनकी मदद करें. Alright, ma'am, what do you see as a great strength of your college? It's the biggest strength I can say. Our institution is very oldest institution of this Chhattisgarh. 1953 में ये आया था हमारा कॉलेज और तब से लेके उस समय शायद 25-30 स्टूडेंट से शुरू किए थे. आज हमारे पास अगर 3,500 स्टूडेंट्स हैं तो ये हमारी स्ट्रेंथ ही दिखाती है. और जैसे एलुमनाई के थ्रू हम लोगों ने बहुत कुछ जाना कि बहुत सारे ऐसे हमारे एक्स स्टूडेंट्स हैं, वो आर्मी ऑफिसर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में हैं और इवन दो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में भी हैं. तो इस तरीके से हमारे इसमें बहुत काफी कुछ इस तरीके से स्ट्रेंथ हमारी कॉलेज में दिखती है. Alright, ma'am. So any suggestion you would like to give to current youth and aspiring student? Yes, in suggestion if you are asking, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी. बहुत बारीकी से मैं आज बच्चों को देख रही हूँ जो अपने पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर हो चुके हैं एंड ड्यू टू दिस कोविड पेंडेमिक बहुत कुछ ऐसी चीजें हुई हैं कि वो उस लाइन से हट चुके हैं. और जितने मोबाइल में उनका दिमाग चल रहा है, अगर वो थोड़ा सा प्रिंट मीडिया यानी कि जैसे हम पुराने जमाने में पढ़ाई करते थे, बेसिक चीजों को जानते थे, अगर उसमें जाएंगे तो वो काफी कुछ कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे टैलेंटेड नहीं हैं, टैलेंटेड हैं परंतु उस टैलेंट का वो सही उपयोग नहीं कर रहे हैं. शायद गाइडेंस की कमी है या उनका खुद का अपना विलिंगनेस थोड़ा कम है. तो एज ए टीचर और एज ए सोसाइटी मेंबर आई कैन से हम सबको इस तरह प्रयास करना चाहिए कि वो इस चीजों से अलग हो. ऑलराइट मैम, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.